डियर 8th क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। बहुत ही फेमस एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है ये, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रीएम्बल हम क्या मान सकते हैं। प्रीएम्बल एक रफ शीट है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, ठीक है। प्रीएम्बल क्या है? एक रफ शीट है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। प्रीएम्बल क्या है? एक रफ शीट है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। अब देखिए प्रीएम्बल को रीड आउट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन्स विद अ ब्रीफ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज। दिस इज़ कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट्स, वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ, बहुत ही ब्रीफ है, ठीक है, बहुत बड़ा है। हर चीज़ के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारे सिटीज़न के राइट्स के बारे में भी सब उसमें क्या है, प्रॉपर तरीके से मैंशनड है, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रीएम्बल है वो क्या है, एक ये मान लीजिए कि उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, जिसके बेसिस पर हमने क्या डिज़ाइन किया है, प्रीएम्बल को डिज़ाइन किया है अच्छे से, ठीक है। अब क्या है कि प्रीएम्बल एक्चुअली में है क्या? तो ये जो पार्ट है ये हमारा प्रीएम्बल है, ये जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है ये प्रीएम्बल है। अब मैं आपको प्रीएम्बल अच्छे से पढ़ के बताऊंगी, ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप नेक्स्ट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम फ्रेटर्निटी एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये इतना अच्छा जो है ये हमारा प्रीएम्बल है। पढ़ते हुए स्टूडेंट्स हमारे नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना है जो हमारे अंदर जागरूक होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा बता देती हूँ कि प्रीएम्बल बोल क्या रहा है। प्रीएम्बल हमें ये बता रहा है कि हम भारत के लोग जो हैं हमारे इंडिया को क्या बना रहे हैं, सोवरेन बना रहे हैं। सोवरेन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? सोवरेन का मतलब है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेशन है। कोई भी अदर कंट्री यहाँ आकर ये नहीं बोल सकती कि ये जो देश है ये मेरा है, ठीक है। भारत, भारत देश भारतीयों का है, ना कि किसी और देश का, ठीक है। जैसे इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले, ब्रिटिशर्स वापस यहाँ आकर ये नहीं कह सकते कि ये देश हमारा है, ठीक है। हमारी कंट्री को हमने क्या बनाया है? सॉवरेन बनाया है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? तो सोशलिस्ट होता है कि हमारी जो कंट्री है वो हर टाइप की क्या है, फ्री है, वो किसी भी टाइप से, यानी कि उसके पास इतनी क्या है, मतलब हमारी कंट्री के पास इतनी आज़ादी है कि वो अपनी इनकम को, अपने पैसों को कैसे भी यूज़ कर सकती है, वो अपने कंट्री के लिए कोई भी नियम कानून लागू कर सकती है। देन जो थर्ड पॉइंट है सेक्युलर। सेक्युलर का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो हमारी कंट्री है वो हमारे कंट्री के लोगों को ये नहीं बताएगी कि हमें कौन सा धर्म फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया में लोग अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं, जैसे कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग सिख हैं, कुछ लोग ईसाई हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं, ठीक है। तो हमारा देश, हमारा इंडिया हमें ये नहीं बताएगा कि हमें कौन सा धर्म, कौन सा रिलीजन फॉलो करना है। ये हमारे खुद की पर्सनल ओपिनियन है कि हमें हिंदू हैं हम सिख धर्म को फॉलो करें या हम मुस्लिम धर्म को फॉलो करें, ठीक है, क्लियर सेक्युलर का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो आप सभी को ही पता है कि डेमोक्रेटिक होने का मतलब क्या है कि द गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि जो सरकार है वो किनके द्वारा है, वो हमारे द्वारा है। हम क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं ताकि वो जो सरकार है वो हमारे ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर रूल कर सके, हमारे बेटरमेंट के लिए क्या बना सकते हैं, नई नई पॉलिसीज़ बना सके, लॉज बना सके,
रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हमारी कंट्री है उसे पूरी आज़ादी है कि वो कुछ भी किसी भी टाइप की जो है अपनी पॉलिसीज़ वगैरह लॉन्च कर कर हमें क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा जो मैंने आपको आज पढ़ाया। आपको हाफ प्रीएम्बल मैंने रीड करवाया है यहाँ तक, ठीक है। बाकी की जो प्रीएम्बल्स की जो टर्म है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको अभी सारा मैंने समझा दिया तो आपको ये क्लियर नहीं होगा। और अच्छे से आपको इस चीज़ को रीड करने के लिए आप इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। इस सॉवरेन डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा, सोशलिस्ट को पढ़ लीजिएगा, सेक्युलर को पढ़ लीजिएगा, डेमोक्रेटिक को पढ़ लीजिएगा, रिपब्लिक, ठीक है। इनको पढ़ लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हेल्दी स्टूडेंट्स।